Academy. So friends, today again we'll be taking one more important topic with respect to SSB, which is very important, जो आपके ग्रुप डिस्कशन में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कहीं पर और लेक्चरेट में भी मिल सकता है. एंड टुडे का टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज अ वेरी हॉट टॉपिक सिंस पास्ट 30 to 40 years, 30 से 40 सालों से बड़ा ही हॉट टॉपिक है, दैट इज पाकिस्तान. देखो साहब, अब ये आपसे इतना नहीं पूछने जा रहा है दैट व्हाट इज इंडो पाक रिलेशनशिप, बिकॉज एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट इंडो पाक रिलेशनशिप. Now what it is important that what are the fault lines of Pakistan? Pakistan की ऐसी कौन-कौन सी fault lines हैं जिनका India use कर सकता है to have a dominance over Pakistan? Because Pakistan is basically right now it is irrelevant to India. India के लिए पूरी तरीके से irrelevant country है. India is far better country than Pakistan in the present scenario. तो साहब देखिए, पहली चीज तो ये आती है कि हम कैसे पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को यूज कर सकते हैं और जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके इंटरनल इश्यूज हैं, कैसे हम इश्यूज का फायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से हम उनको उनकी एक्चुअल हैसियत पे पहुंचा सकते हैं, व्हाट द पाकिस्तान एक्चुअली इज. सी, इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, व्हाट आर द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान इज फेसिंग लॉट हैवी इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है. पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, सम डेज इट विल कम इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF. सऊदी अरेबिया इज कंटिन्यूअसली आस्किंग द रीपेमेंट ऑफ देयर लोन्स, वॉट एवर दे हैव गिवन टू पाकिस्तान. चाइना इज फंडिंग इन पाकिस्तान एंड चाइना इज बेसिकली परचेजिंग पाकिस्तान, चाहे वो सीपेक हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या किसी और तरीके से हो, चाइना इज बेसिकली परचेजिंग पाकिस्तान. दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान एंड दे आर इंप्लाइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन पाकिस्तान. अभी जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात को UAE और सऊदी अरेबिया ने अपने पैसे वापस मांगे, खासतौर पर सऊदी अरेबिया ने जब पैसे वापस मांगे, देन चाइना टुक लोन फ्रॉम पाकिस्तान एंड गेव इट बैक टू सऊदी अरेबिया एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वर वेरी हाई. इसी तरीके से सीपेक में भी मामला है, वेयर एवर चाइना इज इन्वेस्टिंग, अगर कल को पाकिस्तान नहीं कर पाएगा तो देन चाइनीज विल डेफिनेटली कैप्चर दोस पाकिस्तानी टेरिटरी. तो एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान जूझ रहा है. सेकंड प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान इज हैविंग देयर ओन इंटरनल इश्यूज इन बलूचिस्तान, सिंध एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. Balochistan, as you all know, Balochistan is basically demanding for their independence since 1946. 1946 mein Balochistan was an independent country. Pakistan made an aggression on Balochistan and acquired that territory. Aur uske baad se leke aaj tak, those Pakistanis are creating lot of irregularities in Balochistan. Baloch logon ko lagatar mara ja raha hai, they are killed. You might be aware कि कई सारे बलोच लोग वो पाकिस्तान से भाग करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जगहों पे जाके सेटल हो चुके हैं एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली रनिंग द कैंपेन फ्रॉम देयर अगेंस्ट द पाकिस्तान. वो अपना कैंपेन वहां से चला रहे हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर फ्री बलूचिस्तान. अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो है कुछ इमेजेस आई थी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जहां पर बलूचिस्तान के लोग जो हैं, देवर हैविंग द स्लोगन्स, देवर हैविंग द प्ले कार्ड्स विद देम दैट देवर आस्किंग हेल्प फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट ही मस्ट हेल्प एंड दे फॉर द फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान. तो दूसरी उनकी फॉल्ट लाइन ये है. तीसरी उनकी फॉल्ट लाइन क्या है, द मोमेंट इंडिया अब्रोगेटेड आर्टिकल 370, जिस दिन इंडिया ने आर्टिकल 370 अब्रोगेट कर दिया लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक डर बैठ चुका है कि नाउ दैट डे इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल रिक्लेम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया रिक्लेम कर सकता है. अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ही हैज एडवाइज्ड टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि आप गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पांचवा सूबा डिक्लेयर कर दो.
यू मस्ट डिक्लेयर गिलगित बल्तिस्तान एज द फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पांचवा सूबा डिक्लेयर कर दो, तो उससे क्या होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को थोड़ा सा अपनापन लगेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इन गिलगित बल्तिस्तान लॉट ऑफ पीपल केम ऑन रोड्स एंड दे वर डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे वॉन्टेड टू गेट मर्ज विद इंडिया, वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये एक अलग पाकिस्तान के लिए एक अलग तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। अभी अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट इसके बाद में बात करूं पाकिस्तान के अपने खुद के इंटरनल इश्यूज कुछ। फॉर एग्जांपल लाइक यू माइट बी अवेयर द इस्लाम में, वैसे कुरान में तो ऐसा कोई डिविजन नहीं दिया गया है दैट शिया होते हैं या सुन्नी होते हैं, लेकिन ऐसा डिवीजन आज की डेट में इस्लाम में एग्जिस्ट करता है। तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और कॉन्फ्लिक्ट है जो इस्लाम के अंदर ही चल रहा है, दैट इज बिटवीन अहमदिया एंड बरेलवीज। अहमदिया और बरेलवीज के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कराची में नारे लगे थे काफिर काफिर शिया काफिर, तो सुन्नियों ने नारे लगाए थे कि शिया काफिर होते हैं, तो वो इस तरीके के इंटरनल इश्यूज से पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। नाउ व्हाट इंडिया कैन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, आई होप द ऑल द फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान आर क्लियर टू यू, पाकिस्तान की क्या क्या फॉल्ट लाइंस हैं और इंडिया कैसे इन फॉल्ट लाइंस का फायदा उठा सकता है। देखिए साहब एक बड़ी सीधी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने इंडिया की ही फॉल्ट लाइंस का यूज किया इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर के जो कुछ सो कॉल्ड लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स या वहां की जो लोकल पार्टीज थी, चाहे वो सेपरेटिस्ट रहे हो, चाहे वो अब्दुल्लाज रहे हो, चाहे मुफ्तीज रहे हो, इन लोगों के मन में एक फीलिंग बनाई रखी दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कश्मीर और स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, और इस चीज के लिए पाकिस्तान हैज फंडेड अ लॉट ओवर देयर, जिसकी वजह से टेररिज्म से लेकर के हर तरीके की प्रॉब्लम जो है कश्मीर में एग्जिस्ट कर रही थी। नाउ इट्स द टर्न ऑफ इंडिया, अब हिंदुस्तान की बारी है, अब जो तुमने हमारे साथ किया वी आर गोइंग टू डू द सेम विद यू, हम आपके साथ वही करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इंडिया कैन डू स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट से That what is the economic crisis with Pakistan? Pakistan के साथ जो economic crisis है उसमें हम क्या कर सकते हैं? See, first of all, India is continuously exposing, India कर भी रहा है, exposing Pakistan in front of the international community that Pakistan is basically a failed state as well as Pakistan is basically a terrorist state. And now it is acknowledged by the superpowers of the world also, chahe wo United States of America ho, chahe wo France ho, chahe Britain ho, nobody is trusting Pakistan right now, koi bhi Pakistan pe bharosa nahi karta hai. To Pakistan ke sath ek to sabse bada jo failed state aur terrorist state ka tagma hai, it is only going to hit them economically as well as internationally, agar main baat karu with respect to their international image रिगार्डिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चोट पड़ने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान के मामले की अगर मैं बात करूं, तो देखो साहब बलूचिस्तान इज कंटिन्यूअसली डिमांडिंग देयर इंडिपेंडेंस। असल बात मैं आपको बता दूं, वे बैक जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध और बलूचिस्तान, सिंधु देश एक अलग डिमांड कर रहा है अलग होने की, तो उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक बात कही थी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, एंड ही सेड दिस टू महात्मा गांधी कि हमें क्यों अलग कर दिया गया, हम तो कभी आपसे अलग होना चाहते ही नहीं थे, लेकिन वो कुछ ऐसे बॉर्डर बने, कुछ ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस बनी जिनकी वजह से उनको उधर जाना पड़ा, और वो लोग तो हमेशा इंडिया के रहने वाले थे, इंडिया की बात करते थे। एक चीज हमें बहुत कायदे समझना होगा, वी टॉक अबाउट इंडिया, वी टॉक अबाउट हिंदुस्तान, भाई मेरे सिंध के बिना हिंद हो ही नहीं सकता, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट सी बात है, और हमने सिंध उठा करके पाकिस्तान को दे दिया, सिंध से ही हिंद का नाम पड़ा है, और वी गेव सिंध टू पाकिस्तान एंड दे हैव रुइंड दैट एंटायर टेरिटरी। पांच नदियों का एरिया पंजाब
इंडिया में कौन सा पंजाब है, छोटा सा एरिया है, मोस्ट ऑफ द पंजाब इज इन पाकिस्तान, पांच नदियों का एरिया, द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, अलुवियल सॉइल का, जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन आई, वो एरिया को पूरी तरीके से पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरीके का कोई फायदा नहीं। When India was undivided, the most developed city in India at that time was Lahore. और आज लाहौर की क्या कंडीशन है? कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। So India must help Baloch fighters. India must help Baloch fighters to bring their demands in front of international community. International community के सामने Baloch fighters की मदद करनी चाहिए। India must finance it. Finance करने का तरीका क्या है? देखो साहब, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, इन जगहों पर आप जो है, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बलोच के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर आप फाइनेंस करिए, वहां पर आप जो है फंड्स दीजिए, वहां पर आप स्पीचेस करवाइए, वहां पर आप प्रोटेस्ट करवाइए, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करवाइए अगेंस्ट द इनह्यूमन एक्टिविटीज कंडक्टेड बाई पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज अगेंस्ट द बलोच हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे जिसके लिए हो। So this will break Pakistan internally, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है, अगला इशू जो था, that is regarding शिया सुन्नी अहमदिया या फिर बरेलवी। देखो साहब, एक सीधी सिंपल सी बात है, ये शिया सुन्नी अहमदिया या बरेलवी जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये करता कौन है? ये करते हैं मस्जिद में बैठे हुए मौलवी। और ये मस्जिद में बैठे हुए मौलवी की हैसियत क्या है? एक्चुअली 10 से 15,000 रुपए इनको सैलरी मिलती है और ये 10-15,000 रुपए के लिए कुछ भी करवाते हैं। अगर यही चीज, इनका कोई रिलीजन नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट इस्लाम, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, अगर यही चीज इंडिया करना शुरू कर दे, इंडिया स्टार्ट्स फंडिंग दोज मौलवीज एंड दोज मस्जिद, मदरसों को फंडिंग करना चालू कर दे, 15,000 पा रहे हो, चलो हमसे 25,000 देना, 25,000 इंडिया भी इनके एक एक मौलवी को देना चालू कर दे, तो यही मौलवी, यही लोग जो है अगेंस्ट पाकिस्तान बोलना चालू कर देंगे, जो अभी जो है अगेंस्ट शिया सुन्नी बोल रहे हैं या अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हैं। तो उनके अपने यहां जो है इस तरीके के कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, अगली बात मैं करूं, देखो साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज बलूचिस्तान के थ्रू, सिंधु देश के थ्रू किया जा सकता है, इनके अहमदिया बरेलवी के इशू को उठाया जा सकता है जो इनके यहाँ इंटरनली हो रहा है, इनको इकोनॉमिक तौर पे इनको एक सेटबैक दिया जा सकता है जिस तरीके से ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। एंड लास्ट दैट इज जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गिलगित बल्तिस्तान एज वेल एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखो साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो अभी बात छोड़ दीजिए, टॉकिंग अबाउट गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के लोग They are continuously demanding to get into India. खास तौर पे आर्टिकल 370 हट जाने के बाद, आर्टिकल 370 हट जाने के बाद, the kind of development schemes, the kind of development has reached in Jammu and Kashmir. जिस तरीके से वहां शुरुआत हो चुकी है, उस तरीके की development schemes और इन चीजों को देख करके गिलगित बल्तिस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है, now it is better to be with India rather being with a failed state. एक फील्ड स्टेट के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। इंडिया, दूसरी बात, इंडिया के साथ क्या है प्लस पॉइंट, एज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय महाराजा हरि सिंह, इंटायर जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज ऑक्यूपाइड सम टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, वही गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है। तो देखो साहब, हिंदुस्तान के पास सारे लीगल राइट हैं उस एरिया को क्लेम करने को लेकर के। हाँ, देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल मिस्टेक्स मेड बाय अस कि हमने कह दिया प्लेबिसाइट कराएंगे, लेकिन वहां पर भी यूएन की बात अगर पाकिस्तान करता है, तो पहली चीज तो आप समझ लो, इट इज अ बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट इज द नीड ऑफ यूएन। और अगर यूएन को लाने की भी बात करते हो, तो यूएन ने साफ तौर पर कहा था, When Pakistan will free the entire territory of Jammu and Kashmir, जब पाकिस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर की सारी सीमाओं से बाहर चली जाएंगी, and Indian armed forces will take over, Indian armed forces take over कर लेंगी, तो उसके बाद वहां पर plebiscite कराया जाएगा और तब decide होगा whether it is going to be the part of India or
विद द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पहली बात तो ये जान लो, आर्टिकल 370 क्वेश होने के बाद ये प्लेबिसाइट वगैरह ये सारे मामले ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 1994 में ही पीवी नरसिंह राव की सरकार ने ये सारी चीजों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ प्लेबिसाइट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमें साफ तौर पर कहता है कि ये एरिया हमारा है। सो इंडिया इज हैविंग एन अपरेज जिसके जरिए इंडिया जो है पाकिस्तान पे इस समय गोल्डन प्रेशर क्रिएट कर सकता है और आसानी से उस अपनी खोई हुई टेरिटरी को रीकैप्चर कर सकता है। देखो अगर ये टेरिटरी हमें रीकैप्चर हो जाती है, इट विल गिव बेसिकली अ डोमिनेंस ओवर पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। पाकिस्तान और चाइना दोनों के ऊपर हमें डोमिनेटिंग फीचर दे देगा, और अगर हमें ये मिल जाता है देन दैट डे वुड बी नॉट फार व्हेन वी कैन क्लेम द टेरिटरीज ऑफ अक्साई चिन आल्सो। हम अक्साई चिन की अपनी टेरिटरीज को वापस क्लेम कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान विच इंडिया कैन यूज इन अ प्रॉपर मैनर एंड इट इज यूजिंग। गवर्नमेंट इस तरीके से इस समय लगी हुई है, गवर्नमेंट का काम ही इस समय इसी पे लगा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट का इसी मोटो पे काम लगा हुआ है। अगर आप इस समय पाकिस्तानी मीडिया की न्यूज वगैरह देखो तो यू विल कम टू नो कि पाकिस्तानी मीडिया इज कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइजिंग इमरान खान फॉर हिज फेलियर इन ऑल दीज स्टेप्स, और वो उसमें कई बात जो है कमर आगा वगैरह ये लोग तो ये तक बोल चुके हैं कि अगर यही चलता रहा तो फिर पाकिस्तान को ब्रेक होने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग दी फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो जो फॉल्ट लाइंस है। सी दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस क्या है, व्हाट इंडिया शुड डू ओवर देयर और व्हाट इंडिया इज डूइंग ओवर देयर। सो बेसिकली आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द फॉल्ट लाइंस एंड ऑल द स्टेप्स व्हिच इंडिया माइट टेक और इंडिया इज टेकिंग with respect to Pakistan. Okay, so that will be all for today. See you next time with the next topic. Thank you. अगर आपने Centurion Defence Academy के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।